पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कटुआ के दराला निवासी सुवेदार राम सिंह को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचते ही जहां माहौल गमगीन हो गया, वहीं भारत माता की जयघोष के साथ पूरा गांव गूंज उठा। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह जैसे ही बलिदानी का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव दराला पहुंचा तो अंतिम दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पूरे गांव का माहौल पूरी तरह से गमगीन रहा। शौर्य यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर शहीद सूबेदार राम सिंह अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगाकर अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर सेना की टुकड़ी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर बलिदानी को सलामी दी। उसके बाद सेना के अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। बता दें कि बीते 6 अगस्त को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में सेवक रोड पर ड्यूटी के दौरान हाथियों के झुंड ने हमला बोल दिया, जिससे कटुआ के दराला निवासी वीर जवान राम सिंह बलिदानी हो गए। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर अचानक तिरंगा में लिपट कर उनके घर पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। अभी पिछले महीने ही वीर जवान छुट्टी बिताकर जलपाईगुड़ी में ड्यूटी पर गए थे, इसके चलते परिजनों को उनके अचानक बलिदानी होने पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन सच्चाई यही थी कि सूबेदार राम सिंह ड्यूटी के दौरान बलिदानी हो गए। बलिदानी अपने पीछे पत्नी, दो बेटे व एक बेटी को छोड़ गए हैं। शिवालिक जनरल सूबेदार राम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, साथ ही राष्ट्र सेवा के लिए उनका दिल से धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।